लिपस्टिक लगाकर लड़कियां क्या करती हैं? पाउट। और बन्नी, आप लिपस्टिक लगाकर क्या करती हैं? खैर, आप तो क्या ही करेंगी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में तो है सिर्फ और सिर्फ ट्विस्ट। मुझे नहीं लगता आपके पास तो है लिपस्टिक लगाने की फुर्सत भी। तो क्या कह रही है बन्नी की ये कहानी, लेकर चलते हैं आपको बन्नी चाव की होम डिलीवरी के सेट पर। फना हुआ युवान। बन्नी का रौद्र रूप। मानिनी का खूनी खेल। स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाओ होम डिलीवरी में आ गया है महा ट्विस्ट, जहां मानिनी ने चल दी है एक खतरनाक चाल, जिसके चलते उसने युवान को खाई में धक्का दे दिया है। तो क्या युवान हो जाएगा फना? भाई आज मानिनी के बदले की आग कुछ ऐसी बढ़ी कि उस आग में युवान को झोंक दिया। वो बहला फुसलाकर युवान को इस खाई पर ले आई और फिर दिखा मानिनी का गुस्सा, और गुस्से में उसने युवान को खाई में धक्का दे दिया, जहाँ एक तरफ युवान मौत के मुंह में है तो वहीं दूसरी तरफ बन्नी अपने युवान के लिए काफी परेशान हो रही है। वो घर आई मानिनी को सवाल जवाब करती है, और जब मानिनी उसे जवाब नहीं देती तो दिखता है बन्नी का रौद्र रूप। हाथ में बेल्ट लेकर वो करती है मानिनी की पिटाई और पूछती है कि आखिरकार उसका युवान गया तो कहाँ गया। ऐसे में मानिनी उसे देती है युवान का सुसाइड नोट, लेकिन बन्नी को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये सुसाइड नोट युवान ने अपने हाथों से लिखा है। बन्नी को पूरा शक है कि मानिनी या किसी और ने युवान से ये सुसाइड नोट लिखवाया है, और अब खतरे में है युवान की जान। इसीलिए वो मार मार कर मानिनी से सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। दूध पे कितनी मनाई क्यों ना जम जाए, पर उससे दूध का रंग ना छुपाया जा सके। बन्नी, हाँ, थारी असलियत भाई से छुप ना सके। बता भाई को महाराज युवान बैठे ये चिट्ठी, ये मारे युवान के बोल हो ही ना सके। ये चिट्ठी मारे युवान से लिखवाया गया है, क्योंकि इस चिट्ठी में लिखे हर शब्द में आपकी गंदगी, आपकी चालाकी झलक रही है। बताओ मारा युवान कटे, बताओ मारा युवान कटे। सच कह रही हूँ बन्नी, मुझे नहीं पता ये क्या है। युवान कटे, बताओ मारा युवान कटे। उसे क्या कर रही है? मुझे भी नहीं पता, बता दो। आपको पता है? आपको कहाँ है? मुझे नहीं पता युहान कहाँ है। अचानक से एक्चुअली वो अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस के बाद ना घबरा गया था, क्योंकि स्टेज पे आग हो रही थी, फिर अचानक से लाइट ऑफ हो गई और बन्नी ढूंढ रही है। बन्नी की तो जान है मतलब युहान, पर किस हद तक बन्नी उसे पसंद करती है, चाहती है, वो ही समझने के लिए कहानी ये रुख और ये मोड़ ले रही है। और पर हाँ, तकलीफ़ तो हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, परेशानी हो रही है बन्नी को। वो हर जगह पूरे स्टूडियो में ढूंढ रही है युवान को, और पता चलता है कि स्टूडियो को जा और किसी को पता ही नहीं कि बंद है या कहीं खो गया। तो बन्नी पूरी कसर से पूरे टेंशन से उसे ढूंढ रही है। लेकिन मानिनी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, वो कहां बन्नी को सच बताने वाली है। तो भाई अब देखना होगा कि कैसे और कब बन्नी को ये पता चलता है कि उसका युवान अब इस दुनिया में नहीं रहा है, या फिर खाई में गिरने के बावजूद भी क्या बच पाएगी युवान की जान, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से हिमांशु चंद्रे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।